हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम बात करेंगे और एक प्रोडक्ट के बारे में, और ये है बेला वोस्टे का हाई डेफिनेशन फाउंडेशन, एसडी फाउंडेशन। और ये तो आप लोगों को ऑलरेडी बहुत लोगों ने भी बताया होगा, दिस इज़ नॉट अ न्यू प्रोडक्ट, ये ऑलरेडी बहुत लोग यूज़ कर चुके हैं। और मैं भी सोची इसको पहले यूज़ करूँ, फिर अपना एक्सपीरियंस मैं बताऊँ। तो चलिए डिटेल्स में इसके बारे में बात करते हैं। पैकेजिंग तो आप देख सकते हैं कितना क्यूट है, बहुत ही स्टडी है, काफ़ी अच्छा पैकेजिंग है। यहाँ पे लिखा है बेला वोस्टे का एसडी फाउंडेशन, हाई डेफिनेशन फाउंडेशन, दिस इज़ हाइड्रेटिंग, फिलिंग एंड एनहांसिंग विथ हेलुरोनिक एसिड। 30 ml का ये बॉटल है और इसका प्राइस है 699 rupees। यहाँ पे मेरा शेड है 03 मलिबू ड्यूने। दिस इज फॉर्मुलेटेड इन इटली। यहाँ पे लिखा है ब्लेंड्स परफेक्टली इनटू द स्किन, परफेक्ट एडेशन एंड लॉन्ग वेयर, इवन एंड स्मूथ एप्लीकेशन, सन प्रोटेक्शन फार्मूला, एफडीए अप्रूव्ड एंड आल्सो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। बेला वोस्टे ब्रांड के बारे में मैं बता दूँ कि ये यू नो ऑर्गेनिक ब्रांड है, ये ऐसा कुछ हार्मफुल केमिकल्स यूज़ नहीं करते। दीज आर देयर प्रोडक्ट्स आर टोटली क्रुएल्टी फ्री एंड दीज आर पैराबेन फ्री, SLS फ्री, और ऐसे हार्मफुल केमिकल्स इसमें ऐड नहीं किया जाता, सो दीज आर टोटली सेफ। ये कुछ इस तरह से ओपन होता है, आप इसको ट्विस्ट करोगे तो ऐसे खुल जाएगा। इसका टिप ऐसे है और जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी बहुत ही रनी है। शेड बिल्कुल मेरे शेड के हिसाब से परफेक्ट है और ये बहुत ही हाइड्रेटिंग है, ड्राई स्किन के लिए एकदम बेस्ट है। ये एक वाटर बेस लगा मुझे, जैसे मैं यूज़ की, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में मैं बता दूँ, ये वाटर बेस है और आप देख सकते हैं ये जो शाइन है कितना हाइड्रेटिंग है ये, और मेरे स्किन में बिल्कुल ही ये मैच कर जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि आपने कुछ लगाया ही नहीं हो। ये इतना ही लाइट वेट है, बिल्कुल हैवी फील नहीं होता। यू कैन ब्लेंड इट बोथ विथ स्पॉन्ज एंड ब्रश, दोनों में से बहुत ही अच्छा ब्लेंड हो जाता है। और इसके ड्यूरेशन के बारे में मैं बता दूँ, ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ये स्किन में रहता है और आप इसको डे टाइम में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये बिल्कुल हैवी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल स्किन की तरह लगता है, एवरीडे वेयर के लिए भी बेस्ट है। अगर आप ऑफिस जाते हो, स्कूल्स कॉलेजेस, स्कूल स्टूडेंट्स तो यूज़ नहीं करना चाहिए, कॉलेजेस जाते हो या फिर आप यू नो डे टाइम में आप कहाँ जा रहे हो, देन यू कैन ईजीली वेयर दिस। बाकी सब थोड़ा हैवी भी फील करता है, कोई कोई फाउंडेशन होते हैं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और बहुत हाइड्रेटिंग है। सो डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ ट्राई, मैं ज़रूर इसको रेकमेंड करूँगी। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, आगे मैं और ज़्यादा नई नई वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।